अस्सलाम वालेकुम। जमशेद दस्ती साहब ने एक वीडियो जारी की और जो इंटरनेट पर कल रात से वायरल है, उसमें वो बता रहे हैं कि मेरे घर पर पुलिस ने, सीटीडी ने, इवन खुफिया एजेंसियों के अहलकारों ने वहाँ पर रेड किया, छापा किया, और छापे के दौरान मेरी बीवी को बरहना किया गया, मेरे 10 माह के बच्चे को या 10 साल के बच्चे जो है उसको भी मारा पीटा गया, घर में तोड़ फोड़ की, घर में घुस गए, ये हुआ वो हुआ, काफ़ी कुछ उस वीडियो में बताया गया है। डायरेक्ट रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, रियासती इदारों के अहलकारों के ऊपर इल्ज़ामात की बौछाड़ की गई है, और एक काफ़ी जज्बाती वीडियो है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज ईसा से जो है अपील भी की है कि आप इस चीज़ का नोटिस लें। लेकिन थोड़े से हम जज्बात को साइड पर रख देते हैं और इस चीज़ को भी साइड पर रख देते हैं, हालांकि रखना नहीं चाहिए कि पीटीआई के ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है, तारीख में इससे पहले भी जबर और जुल्म होते रहे। 2018 में जो नून लीग के साथ किया, एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर होता रहा, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इससे पहले जो सियासी जमातें थी, जो ज़ेरे अताब थे, उनके साथ ये जुल्म और जबर होते रहे। अब ये जुल्म और जबर जो नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान में आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी की बरकत से हमें नज़र आ रहा है कि जनाब ये जुल्म और जबर हो रहा है। पीटीआई के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये हकीकत है, इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम आगे चलते हैं। तो जमशेद दस्ती साहब का घर 9 मई के बाद वो अपने घर में मौजूद नहीं, उनकी फैमिली मौजूद नहीं, उनकी फैमिली का कोई मेंबर मौजूद नहीं है, उनके खानदान का घर मौजूद नहीं है, उनके घरों को ताले लग चुके, मुजफ्फरगढ़ में जो उनका आबाई घर है या उनका शहर के अंदर जो घर बने हुए हैं, वो सारे घरों को ताले लगे हुए हैं। वो रूपोश है, वो इस वक्त जो है वो एक खुफिया जिंदगी, गुमशुदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं उनकी वीडियोस, ट्वीट्स वगैरह हमें नजर आ जाती है, लेकिन वो अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद नहीं है। एक तरफ जमशेद दस्ती साहब ये हमदर्दी लेके जाते हैं कि हमें अपने घरों में नहीं घुसना दिया जा रहा, दूसरी तरफ ये वावेला खड़ा कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए, शायद चमकाने के लिए, मैं ये भी कह सकता हूँ, और मुझे इस पर कहने में कोई आर भी नहीं है, कि वो बता रहे कि मेरी अहलिया को जो है बरहना करके मारा गया, तशद्दुद किया गया, उनकी वीडियोज बनाई गई, इस तरह के इल्जाम भी बनाए जा रहे हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स अलग चीज होती है, फीलिंग्स और जज्बात अलग चीजें होती है। फीलिंग्स और जज्बात को आप साइड पर रख दें। आप एक मरतबा इस बारे में सोचें कि खुद जमशेद दस्ती और उनके जितने भी कारिंदे हैं सियासी, वो बताते हैं कि जमशेद दस्ती उनका खानदान जो है कई माह से घरों में नहीं गए। जब वो घरों में नहीं गए तो आज वो कौन से लोग थे कि जिनके कपड़े उतारे गए? तो ये सरासर एक इल्ज़ाम है, एक गलत दावा है, ये सियासत चमकाने के लिए बात की जा रही है, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है। तो जमशेद दस्ती से लेके इमरान खान, जो भी आप पीटीआई का रहनुमा उठाकर देख ले, जिसने इमरान खान के साथ 1% भी लॉयल्टी शो की है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन ये जो इल्जामात जमशेद दस्ती की जानिब से लगाए जा रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि उनके घर ऑलरेडी खाली है, ऑलरेडी ताले लगे हुए हैं, वो लोग रूपोश है, फैमिली, बच्चों और घर के तमाम अफराद, इवन खानदान के जो क्लोज अफराद हैं उन समेत वो रूपोश है। तो इस केस में, इस तनाजुर में हम अगर देखें थोड़ा सा, तो हमें साफ पता चलता है कि ये एक पॉलिटिकल जो है आप कह सकते हैं कि हमदर्दी हासिल की जा रही है। इलेक्शंस नज़दीक है तो ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसमें सदाकत होगी या नहीं होगी, इसको थोड़ा फैक्ट्स के साथ चेक किया जाएगा, इसके लिए पैमाने लगाए जाते हैं। जब वो पैमाने रखे जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये ऐसा नहीं था जैसा है, जैसा हमें नजर आ रहा है। दूसरी जानिब मैं बार बार ये बात आपको बावर करा रहा हूँ कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो किसी से ढका चुका भी नहीं है, उसकी वीडियोज आ रही है। उस्मान डार की वालदा के साथ उन्होंने क्या किया, कागजात नामजदगी जमा करवाने जो जाते हैं, खवातीन हो, मर्द हो, उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो सब एक हकीकत है। लेकिन ये जो केस है जमशेद दस्ती का, जो वीडियो आई है, ये इसमें 1% भी हकीकत नहीं है, क्योंकि उनके घरों को ऑलरेडी ताले लग चुके हैं, लगे हुए हैं, 9 मई के बाद लगे हुए हैं। आप लोगों की इस हवाले से जो भी राय हो, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।